नमस्कार, गांव वाइस में आपका स्वागत है। मैं गुलशन तिवारी। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा द्वारा जागरूकता कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिल्कीपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आचार्य नरेंद्र एवं कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की अधिष्ठाता नमिता जोशी, खाद्य एवं पोषण विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर साधना सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी विवेक शाही जी, डॉक्टर एपी राव जी, डॉक्टर अर्चना सिंह जी, डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रश्मि जी एवं आंगनबाड़ी की तमाम महिलाएं मौजूद रही। कार्यक्रम की आयोजक अर्चना सिंह, सह प्राध्यापक कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा डॉक्टर साधना सिंह, विभागा अध्यक्ष खाद्य एवं पोषण विभाग आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज द्वारा किया गया। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आचार्य नरेंद्र एवं कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या कुमारगंज के कुलपति महोदय जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जैसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर जो है 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम रखा गया है, तो महिलाओं को किस तरीके से यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा सर? देखिए, हमारी महिलाएं पहले एक बच्ची के रूप में होती है, फिर इसके बाद एक जो है पत्नी के रूप में होती है, फिर माँ के रूप में होती है, पूरे एक परिवार के मुखिया के रूप में होती है। तो इनके विभिन्न रूप होते हैं समाज में और विभिन्न समयों पर इनकी विभिन्न ज़रूरतें होती हैं। हमारे विश्वविद्यालय के जो सामुदायिक महाविद्यालय ने इसी को देखते हुए प्रतिदिन जो है हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके का कार्यक्रम किया है। और ये हमें धन्यवाद देता हूँ कि विवेक शाही को, जो आंगनबाड़ी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, क्योंकि यही समाज की आईना है। समाज में जाकर जो सीखती हैं और हमारी बहनों को घर घर जाकर समझाती हैं, इसलिए इनको बताया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चों का फीडिंग के लिए है कि कैसे छोटे बच्चों का जो है जन्म के बाद उनका खान पान रखा जाए, कैसे हमारी बहनों का खान पान रखा जाए, उसके बारे में आज विस्तृत से जानकारी होगी। 5 दिन का प्रोग्राम है, अलग अलग दिन जो है अलग अलग तरीके का प्रोग्राम है, अलग अलग लोग आएंगे और उनको प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र के पूरी महिलाओं में एक जागरूकता और ख़ास तौर से पोषण के लिए, क्योंकि खान पान की ऐसी आदतें हो गई हैं कि हम कुछ ही चीज़ों तक सीमित हो गए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि चावल है, गेहूँ का आटा है, अरहर की दाल इस क्षेत्र में, इसी तक हमारी जीवन है, आलू और थोड़ी सब्जियां हैं। लेकिन एक स्वस्थ रहने के लिए सप्ताह में कम से कम 10 तरह के अनाज और 15 तरीके के सब्जियों का सेवन जो अनिवार्य है, उनसे पूरा जो हमारे स्वस्थ रहने के लिए, चाहे विटामिन हो, मिनरल्स हो, या प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, स्टार्च हो, सबकी उपलब्धता जो है हमें मिलती है। साथ में प्रतिदिन कम से कम 355 ग्राम जो है हमें मिल्क लेना चाहिए। एक इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रतिदिन आए दिनों हमें लेना चाहिए। जैसे अगर आप विटामिन की बात करें तो विटामिन जो है खासतौर से बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी प्रायः जो है सब्जियों से ही और फलों से ही मिलता है। विटामिन ई और के जो है मिल्क से मिलता है, या तो मांस या अंडा से मिलता है, मछली से मिलता है। तो हमें अपने जो मांसाहारी हैं उस तरह का सेवन कर सकते हैं, जो शाकाहारी हैं दूध के बने हैं प्रोडक्ट, चाहे पनीर हैं, इससे भी जो है बहुत सारे तत्व मिलते हैं। तो हमें प्रतिदिन महंगे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अपने खान पान में खास तौर से प्रतिदिन जो है पत्तेदार सब्जियां महिलाओं के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों से हमें आयरन मिलता है, हमें जो है जिंक मिलता है पत्तेदार सब्जियों से, कुछ पत्तियों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो इस तरह से जो है पत्तेदार सब्जियों के लेने से विटामिन से लेकर मिनरल तक की हमें उपलब्धता जो हो जाती है। मैंने सहजन के बारे में खास तौर से चर्चा किया कि अगर प्रतिदिन बच्चों को 5 से 10 ग्राम सहजन दिया जाए तो उसे किसी भी अन्य चीज़ों की देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर छोटे बच्चों में जानते हैं कि विटामिन ई और जो है विटामिन ए, और ये तो खैर महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, के है, तो इस तरह से अगर बच्चों में ई विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है छोटे बच्चों में, तो इसलिए हमारी बहनों को अपने
बचपन के जो एक हज़ार दिन है बच्चों के लिए ऐसे सेवन करना चाहिए जिसमें विटामिन ए की अधिकता हो, और वही विटामिन ए जो है बच्चों में जाएगी ताकि बाद में उनके आँख से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित बीमारियाँ कम से कम होंगी। इसलिए यही सब चीज़ों को विस्तार से हमारे महाविद्यालय के लोग जो है इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय निकालने के लिए हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या ज़िले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिल्कीपुर में है, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या की खाद्य एवं पोषण विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर साधना सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। आज यहाँ पर किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? जैसा कि पूरे भारतवर्ष में सितंबर माह का पहला सप्ताह वो जो है वो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, उसी दिशा में हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग व कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा ने सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये 5 दिवसीय पोषण जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं 30 से 35 की संख्या में है, उनको 5 दिवस तक प्रशिक्षण दिया जाएगा और पोषण संबंधी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि इस बार का जो थीम है पोषण सप्ताह का वो है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य कैसा वो बनेगा जब वयस्क होगा, बड़ा होगा, तो वो किस तरह का व्यक्ति बनेगा, उसकी शारीरिक बनावट कैसी होगी, उसका मानसिक विकास कैसा होगा, ये निर्भर करता है कि जब हम शिशु अवस्था में कोई बच्चा है शैशवावस्था में उसको, या वो जब गर्भावस्था में अपने माँ के गर्भ में था उसको किस तरह का आहार मिला, किस तरह का पोषण मिला, किस तरह की देखभाल हुई उसकी, उसी से उसकी संरचना निर्धारित होती है। तो इस पोषण सप्ताह के दौरान शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक हर आयु वर्ग की किस तरह की पोषण आवश्यकताएं हैं उसी से संबंधित जानकारी जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को दी जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ये सरकार की योजनाओं को, जो पोषण संबंधी योजनाएं हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी, जो टीकाकरण संबंधी योजनाएं हैं, इसको, इसका क्रियान्वयन का कार्य, इसको समाज के जो हमारा यूज़र है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ करती हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इस बार ये सोचा कि उनको इस तरह की जो प्रशिक्षण दिया जाए। जी, आपने बताया कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे जो है कार्यक्रम किया गया था, और यहाँ पे आंगनबाड़ी की जो महिला थी उन्हें जो है प्रशिक्षण देने का काम किया, तो इन्हें किस तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है और किस तरीके से ये लोग अब जो है गांव में जाके, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके जो और भी महिलाएँ, उन्हें किस तरीके से जो है प्रशिक्षण किया जाएगा? जैसा कि आज हमारा पहला सत्र था, उद्घाटन सत्र था, और आज पहले दिन हमने जो पहला दिन है प्रशिक्षण का वो शिशुओं के नाम कर रखा है कि जो भी महिलाएं आई हैं आंगनवाड़ी में कार्यकर्तियां आई हैं वो अपने साथ उन माताओं को लेके आई हैं जिनके पास छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं। और पहले दिन हमारी जो यहाँ CHC की डॉक्टर रश्मि सिंह जो महिला रोग विशेषज्ञ थी वो और डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव ने आज ये जानकारी दी कि शिशुओं को किस तरह का आहार की आवश्यकता है। डॉक्टर अर्चना सिंह ने भी बताया कि प्रथम 180 दिन में कैसा आहार होना चाहिए और संपूरक आहार किस तरह से बनाया जाए, हम बाज़ार के महंगे संपूरक आहार पर ना निर्भर रहे, अपने घर पर ही जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो खाद्यान्न हमारे पास उपलब्ध है उससे हम किस तरह से पौष्टिक संपूरक आहार बनाएं, इसका प्रशिक्षण दिया गया। और इसी तरह जब हम कल जो हमारा दूसरा दिन होगा तो वो प्री स्कूल के बच्चों के लिए डेडिकेटेड होगा, उसमें जो प्री स्कूली अवस्था है उसमें किस तरह के जो पौष्टिक तत्वों की कमी से किस तरह के रोग होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं, उससे हम किस तरह से निदान पा सकते हैं, या जो प्री स्कूल के बच्चे हैं उनको कैसे हम खाने की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। कार्यक्रम जो है कितने दिन चलेगा यहाँ पे? यहाँ यहीं पे एक जगह कार्यक्रम रहेगा कि जगह जगह जो PSC है या फिर अन्य जो स्थान है कि कार्यक्रम यहीं पे चलेगा कि 5 दिन की कई स्थानों पे जो है चलेगा? नहीं, कार्यक्रम यहीं रहेगा और जो हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो वहीं रहेंगी, लेकिन वो प्रतिदिन अलग अलग जो लोगों को अपने साथ लेके आएंगी, जैसे आज वो शिशुओं की माताओं को लेके आए हैं, कल वो जो प्री स्कूल के बच्चे हैं उनकी माताओं और स्कूल के बच्चों को लेके आएंगी ताकि उनके आहार, उनके पोषण संबंधी जानकारी दी जा सके। फिर तीसरे दिन जो है वो हमारा किशोरियों के लिए समर्पित है, किशोरावस्था में बालिकाओं की जो पोषण आवश्यकताएं किस तरह से बदलती हैं,
और उनके हम रक्त की जांच का शिविर भी लगाया जाएगा। और इसी तरह जो चौथा दिन है वो गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं के लिए समर्पित रहेगा। उस गर्भावस्था में क्यों पोषण आवश्यकताएँ बदलती हैं, तो धात्री महिलाओं को किस तरह का आहार लेना चाहिए ताकि जो दूध का समुचित मात्रा में बन सके, और दूध की जो गुणवत्ता है वो किस तरह से आहार पे निर्भर करती है, इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। और एक दिन हम जो हमारे वयस्क हैं या जो वृद्ध लोग हैं हमारे परिवार में, उनको भी अच्छे आहार की ज़रूरत होगी, तो उसको किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं अपने, तो इस तरह से हर दिन एक अलग अलग थीम पे हम लोग काम करेंगे, उन्हीं विषयों पे व्याख्यान होंगे और उसी से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव, जो मानव विकास एवं परिवार अध्ययन की हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पे जो जागरूकता कार्यक्रम किया गया था, सबसे पहले तो हम कुपोषण क्या है और ये हमारे समाज के लिए कितना घातक है? कुपोषण मतलब हर व्यक्ति को अपने आवश्यकता अनुसार पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें आप जानते ही होंगे ऊर्जा है, विटामिन है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, वसा है, और जब उसको ये सारी पौष्टिक तत्व अपने आवश्यक आवश्यकता के अनुसार नहीं मिल पाते हैं, तब उसका शरीर में कुपोषण की स्थिति पैदा हो जाती है। ये जो कार्यक्रम किया गया, तो यहाँ पे जो महिलाएं आई हैं उन्हें आप कुछ यहाँ पे जो आप बनाई हुई हैं, ये सब चीज़ें क्या है, उन्हें आप जो है थोड़ा सा बताएं, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी। ऐसा है कि ये जो हमारा आज कार्यक्रम का प्रथम दिन है और इसमें हमने छोटे बच्चों से लेकर शुरुआत की है, तो आज यहाँ पर चर्चा हुई है पूरक आहार की। मतलब जैसे 6 महीने तक बच्चे अपने माँ का दूध पीते हैं और सिर्फ उनको सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, लेकिन जब वो 6 महीने के हो जाते हैं तो उनकी जो पौष्टिक आवश्यकताएं हैं वो माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती हैं, तब उनको ऊपरी आहार देना प्रारंभ करना चाहिए। तो उसी ऊपरी आहार के संबंध में चर्चा हुई है, और हम जैसे बाज़ार में डिब्बा बंद ऊपरी आहार मिलते हैं जिससे माताएँ उसको तुरंत तैयार करके खिला सकती हैं, उसी तरह से घर पर हम कैसे ऊपरी आहार बना सकते हैं। इसमें हमने एक अनाज लिया है, एक और दाल ली है और वसा वाली चीज़ें ली हैं, तो उसमें एक भाग हमने अनाज लिया है, आधा भाग दाल और चौथाई भाग वसा वाली चीज़ें यानी मूंगफली और तिल को बराबर बराबर मात्रा में मिला के लिया है, और उनको सभी को अच्छी तरह अलग अलग भून लिया है और भून करके सभी को अलग अलग पीस लिया है और उसी अनुपात में उनको मिला लिया है। अब मिलाने के बाद इसको हम एक हवा बंद डिब्बे में, एक जार में भर के रख देंगे, और जब किसी माता को अपने बच्चे को खिलाना होगा तब वो इसको निश्चित मात्रा में बच्चे की आयु के हिसाब से मिला करके और दूध में घोल करके या गर्म पानी में घोल के मीठा मिला करके या नमकीन खिलाना हो नमकीन लपसी के मिला के बना के खिला सकते हैं। जी, जो महिलाएं इसे घर पे बनाना चाहती हैं किस तरीके से इसको बना सकती हैं, और बच्चों को किस कितने उम्र साल के बच्चों को जो है ये पोषक तत्व जो है दिया जा सकता है? ये जो है बनाने की प्रक्रिया मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे समझा दी, जैसे अभी आपको बताया है, और इसको बना करके ये 6 माह तक अपने घर में रख सकती हैं, और ये जो है 6 माह की आयु के बच्चे जब हो जाते हैं उसके बाद से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, और आयु के हिसाब से इसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। और मैं तो ये समझती हूँ कि इसको सभी उम्र के व्यक्ति खा सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है, लेकिन ये है बच्चों के लिए खास पूरक आहार, लेकिन यदि बुज़ुर्ग लोग भी इसको यदि ज़रूरत पड़े तो खा सकते हैं, क्योंकि इसमें दलहन है, तिलहन है और अनाज है, तो एक तरीके से ही सब्जियां और फल छोड़ करके इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, और दूध हम डाल लेंगे, तो इस तरह से ये जो है साथ ये जो है सभी भी खा सकते हैं, लेकिन ये हाँ ये जरूरी है जो है इस तरह, हाँ लेकिन ये है एक्चुअली वास्तव में ये बच्चों के लिए पूरक आहार है, और इसको वो काफ़ी समय तक 2.5-3 साल की अवस्था तक खा सकते हैं, जब तक कि वो अपना समय उनका भोजन एक समयबद्ध नहीं हो जाता है। जब तक बच्चों का भोजन 4 टाइम में समयबद्ध हो जा नहीं होता है, तब तक बीच बीच में उनको भूख लगती है क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, और ऐसे समय में इस भोजन की महत्व बढ़ जाती है।
जो भी इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी की महिला आई हुई हैं, उन्हें आपके द्वारा जो है प्रशिक्षण दिया गया, उन सबको क्या मैसेज देना चाहती हैं? इसके साथ साथ वो जब गांव में जाएं, वो किस तरीके से और भी महिला को जो है इस कार्यक्रम के बारे बताएं, इसके साथ साथ उन्हें किस तरीके से जो है प्रशिक्षण देने का वो लोग भी काम करें, जिससे ये जो आपका कार्यक्रम है बड़े स्तर पर जो है गांव-गांव तक पहुंचे। हमें लगता है गांव को ही जागरूक करने का एक प्रकार से कार्यक्रम है, क्योंकि हमारा गांव ही है जो अभी पिछड़ा हुआ है। बाकी तो शहरों में जो है वो जानकारियां हैं, लेकिन अभी गांव में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से अब हमारा जो पोषक तत्व था, पहले जो हमारा जीवन था, वो सब में जो है बहुत शामिल होता था, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ लोग बदल गए हैं, रिफाइंड क्या क्या चीज़ें जो है बड़े मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहती है, वो लोग किस तरीके से गाँव-गाँव में जाकर प्रशिक्षण देने का काम करें और भी महिलाओं? देखिए, आप लोग यहाँ पर आई हैं जनप्रतिनिधि बन के, एक तरीके से हैं अपने गांव का प्रतिनिधित्व कर रही हैं यहाँ पर। तो जो भी कुछ आपने यहाँ पे सीखा है, जो भी जानकारी प्राप्त की है, आपकी जिम्मेदारी है कि वो अपने गांव में जाएं और महिलाओं तक इसका प्रचार प्रसार करें, इसको बना करके दिखाएं, इसका अपने जैसे आपने बना के यहाँ सीखा है वैसे मुँह जवानी ही ना करके आप उसको प्रायोगिक रूप में करके दिखाएं, जिससे महिलाएं उसको देखें, समझें और उसका स्वाद लें, तभी उसको उनको विश्वास पैदा होगा कि ये चीज़ वास्तव में बच्चों के खाने योग्य है और पौष्टिक चीज़ है। और आप, मैं समझती हूँ कि एक तरीके से अपने गांव की नुमाइंदा बन के यहाँ आई हैं, तो यहाँ से जो भी सीख के जाएं उसका प्रचार प्रसार करें, यही मेरी उम्मीद है और यही मेरी कामना भी। कार्यक्रम जो है 5 दिन चलेगा, तो और भी जो महिलाएं आना चाहती हैं क्या इस कार्यक्रम में आ सकती हैं? जी हाँ, और इन लोगों को निर्देशित किया गया है किस प्रकार हर दिन ये नए रूप में आएगा कार्यक्रम, और नए वर्ग के लिए, जैसे आज बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए है, कल स्कूली छात्राओं के लिए है, गर्भवती माताओं, धात्री माताओं के लिए, फिर वयस्क उम्र की जो रजोनिवृत्त हो जाती हैं महिलाएं, उनके लिए है। तो उस तरह से ये लोग महिलाओं को ला सकती हैं और उस आय वर्ग के लोगों को विशेष रूप से यहाँ पे ला करके उनको मैं अंदर जागरूकता पैदा कर सकती हूँ, उन लोगों को दिखा सकती हैं आगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ, अन्य जानकारी, तब तक जुड़े रहें आप गांव वाइज के साथ। अगर आप गांव वाइज पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।